नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ शिखा। कभी कभी कुछ रिश्ते टूट जाना जरूरी होता है, कभी कभी कुछ लोगों का दूर चले जाना जरूरी होता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो सके, वो आपकी बेहतरी के लिए जरूरी होता है। ये अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, अगर आप ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आप किसी से अलग होने का पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये देखने से आपका पेन तो कम होगा ही होगा, साथ में आपके थॉट प्रोसेस को एक ऐसा डायरेक्शन मिल जाएगा जिसके बाद शायद आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो सारी चीजें जो ब्रेकअप के बाद हम करते हैं और हमें नहीं करनी है, ताकि आप उस इंसान को भूल सके। एक तरीके से कह सकते हैं, ब्रेकअप के बाद या एक बहुत बुरे रिश्ते के अंत के बाद आपको उस इंसान को भूलना कैसे है, वो सारी टेक्निक हम आपको आज सिखाने वाले हैं। एक कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेप्ट करना। उस इंसान का चले जाना आपको एक्सेप्ट करना है। वो चला गया है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी है। दूसरी चीज कि आपको ईगो हटानी है कि मुझे कोई कैसे छोड़ सकता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और तीसरी चीज वो ये कि होप हटाओ। वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इंसान के चले जाने के बाद भी उन्हें उम्मीद बंधी रहती है कि वो शायद आ जाए, शायद वो इंसान लौट कर आ जाए। इस उम्मीद को आप सबसे पहले तोड़े, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। पार्टनर को खुश करना, जब आप प्यार में होते हैं तो खुश रहना, पार्टनर को कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे उसे खुश रखना है, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे जो चीजें हैं हम करते हैं और हमें पता होता है कि हमारा पार्टनर कैसे खुश होता है, लेकिन पार्टनर को हम जाने के बाद कैसे भूलें, सच्चे प्यार का हम अपने दिमाग में एंड कैसे करें, उसे कैसे भूलें, ये हमें नहीं आता। तो पॉइंट वाइज अब हम आपको वो चीजें प्रैक्टिकल ही बताने वाले हैं जो करने से आप अपने पार्टनर को भूलेंगे, साथ ही साथ आपके दिमाग से वो सारी मेमोरीज भी मिनिमाइज होंगी। देखिए, खत्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बहुत बड़ा टाइम स्पैन उस इंसान के साथ में बिताया है, तो वो चीजें धीरे धीरे करके खत्म होंगी, बट मिनिमाइज तो जरूर होंगी अगर आप हमारे ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करें। पहला पॉइंट, टेक अ ब्रेक। लाइफ से एक ब्रेक लीजिए। देखिए, टूटी हुई चीज को जैसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है, बट आप कोई भी ग्लू कुछ भी इस्तेमाल कर लें, उस चीज को आप वैसे नहीं जोड़ सकते। तो रिश्ता जब टूट गया है, तो वो कैसे, उस जगह को आप फिर से फिक्स कैसे कर सकते हैं, राइट? तो आपको एक नई शुरुआत करनी है। आपको ये शुरुआत करनी है उस चीज पर खुशी का मरहम लगा करके। खुशी का मरहम इसलिए क्योंकि अगर आप खुश हैं तभी आप आगे कोई स्टेप ले पाएंगे, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको वो सारी चीजें जो आपको खुशी देती है वो करनी है, और खुश रहने का बहाना ढूंढना है। आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, आप उस इंसान के साथ, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बात हम नहीं कर रहे, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, उस इंसान के साथ बैठ करके आप ढेर सारी बातें कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको खुशी देंगी और ये पहला स्टेप होगा जब आप अपने पार्टनर को भूलने का एक ट्राई करेंगे, और ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा क्योंकि यहीं से आप बाकी के स्टेप्स को कर पाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम अक्सर जिन जगहों पर अपने पार्टनर के साथ गए होते हैं वहां पर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें उसकी याद आ रही होती है। आपको ये नहीं करना है। उन स्पेशल प्लेसेस पर जहां शायद आप कॉफी डेट पर जाते थे, जहां पर आप शायद बैठकर टाइम स्पेंड करते थे, उन सारी जगहों पर आपको नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर आप जाएंगे तो वो आपकी मेमोरीज को ट्रिगर करेगा और ये आपको फिर से उसी सिचुएशन में ला देगा जहां से आप निकलना चाह रहे हैं। मतलब आप उस इंसान को फिर से मिस करेंगे, आपको उस इंसान की कमी खलेगी और फिर से आप खुद पर ये कहना शुरू करेंगे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो उस जगह पर जहां पर भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, आपको नहीं जाना है। इनफैक्ट आपको अगर इन मेमोरीज को हटाना है तो आपको नई जगह पर जाना होगा। आप कहीं पर भी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां शायद आप दोनों ना गए हो। देखिए, अगर पुरानी यादों को मिटाना है तो उनकी जगह लेने के लिए आपको नई यादों को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको नई नई जगह जाना पड़ेगा,
आपको आपको अगर घूमना पसंद है तो आप प्लान कर सकते हैं ट्रिप अपने फ्रेंड्स के साथ और नई मेमोरीज को क्रिएट करिए। जब आप नई मेमोरीज को क्रिएट करते हैं तो पुरानी मेमोरीज भले पूरी तरीके से ना हटें बट वो फेड जरूर होने लगती है। आप नए रेस्टोरेंट्स जा सकते हैं, आप नई जगह कॉफी के लिए जा सकते हैं, आप डिनर के लिए नई नई जगह जा सकते हैं, आउटिंग के लिए बहुत सारी जगह जा सकते हैं। तो जो कंक्लूजन है इसकी, आपको नई मेमोरीज को क्रिएट करना है और उन जगहों पर नहीं जाना है जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ जाया करते थे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये आपको दर्द भी दे सकता है। कैसे? अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपने पार्टनर को स्टॉक करते रहेंगे, आप ये जानने की कोशिश करते रहेंगे कि वो कैसा है, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, उसकी लाइफ का अपडेट क्या है, वो कहाँ है, कैसा है, अगर ये आप जानने में लगे रहेंगे तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे, आप उस इंसान को भूल नहीं पाएंगे। तो सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को स्टॉक करना बंद करें, इनफैक्ट कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए अगर पॉसिबल हो उनको वहां से ब्लॉक कर दें तो ही अच्छा है, ताकि वो आपकी निगाह में ना पड़े। देखिए, एक बहुत ही बड़ी कोट किसी ने एक लाइन में कह दी जिसको शायद संसार ना समझ पाया हो, बट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो आपको लगातार नहीं दिखता वो आपके दिमाग से हट जाता है। तो आपको सोशल मीडिया पे उस इंसान को देखना तक नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपकी जो आपकी एक अच्छी मेमोरी है और बुरी भी शायद है, अगर आप उनको देखते रहेंगे सोशल मीडिया पर तो शायद आप उनको भूल ना पाए, क्योंकि वो आपकी निगाह में आते रहेंगे। तो सोशल मीडिया पर आपको उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, अनफॉलो कर देना है, ब्लॉक कर सकते हैं ब्लॉक करिए, और उनको कभी भी आप स्टॉक ना करें। देखिए, एक और बात है, कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो आपसे प्यार नहीं करना चाहते, मतलब वो आपसे प्यार नहीं करते लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें। देखिए, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है, बहुत से ब्रेकअप के बाद एकदम ब्रोकन कपल्स आते हैं, ब्रोकन कोई एक इंडिविजुअल आता है, वो ये कहता है कि मेरी पार्टनर ने या मेरे पार्टनर ने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया है लास्ट, और वो चाहता है कि क्लोजर। नहीं, ये बहुत गलत स्टेप है। ब्रेकअप के बाद जब ऐसा आपने एकदम डिटैचमेंट हो गया है, आपको उस इंसान से नहीं मिलना है। मिलने से देखिए अगला क्या सोच रहा है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो इंसान ट्रू है, जो इंसान उसको अब भूलना चाहता है क्योंकि लाइफ में वो बहुत हर्ट हो चुका है और वो अब आगे बढ़ना चाहता है, प्लीज आपके लिए एक बहुत बड़ी सलाह है, आप दोबारा ना मिले, एज अ फ्रेंड भी ना मिले, बिल्कुल ना मिले, क्योंकि वो चीजें ट्रिगर करता है और जो आप चाहते हैं, मतलब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। कई लोग तो इतने शातिर होते हैं कि वो कई बार मिलते हैं फिजिकल होने के लिए, बल्कि उनके अंदर आपके लिए कोई भी भावना नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करते, और इंसान को इस तरीके से वो तोड़ देते हैं कि इंसान खुद को ब्लेम करना ही शुरू कर देता है। तो आपको ये स्टेप तो बिल्कुल नहीं लेना है, ब्रेकअप के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं मिलना है उस इंसान से जिससे आप अलग हो चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई समथिंग न्यू। बहुत सारी नई चीजें हैं करने को, एडवेंचर, आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद उस इंसान के साथ नहीं कर पाए, तो यही एक राइट टाइम है जब आप फ्री भी हैं, जब आपका माइंड एकदम फ्री है, आप रिलैक्स हैं, तो आप बहुत सारी नई चीजें कर सकते हैं। आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, कोई एडवेंचरस चीज कर सकते हैं, नई बुक्स पढ़ सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, फैमिली के साथ आप टाइम बिता सकते हैं। तो ये सारी नई नई चीजें आपको करनी है उस टाइम पर जब आपको लगता है कि शायद ये टाइम में अकेला हो, उस अकेलेपन में आप खुलकर खुद को जिए और उस टाइम पर को आप ऐसे यूटिलाइज करें कि आगे जाके आपको ये लगे कि उस टाइम को मैंने जिया है खुल के, जो शायद मैं उस इंसान के साथ नहीं जी पाया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम बिताइए, क्योंकि फैमिली आपकी हमेशा आपके साथ रहती है, तब भी थी, उसके पहले भी थी, जब वो पार्टनर था तब भी थी, और आज भी है, और शायद ना जाने कितने लोग आएंगे जाएंगे, बट आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी। तो अपनी फैमिली के साथ आप टाइम बिताइए, स्पेशल ओकेजन्स पर, सेलिब्रेशंस पर खुल के पार्टिसिपेट करिए और उनको खुशी दीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप अपनी फैमिली को खुशी देते हैं ना, तो वो खुशी आपके चेहरे पर भी झलकती है और आप भी खुश हो जाते हैं। तो उस चीज से आप बिल्कुल भी ना चूके, फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम आपको स्पेंड करना है। अंत में बस उस इंसान को माफ कर दीजिए, फॉरगिव हिम और हर, जो भी है बस माफ कर दीजिए,
क्योंकि अगर एक गुस्सा होता है ना, एक प्यार होता है जिससे आप लोगों से बंधे रहते हैं, वो आपके जहन में रहता है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है गुस्सा, नफरत। उसके थ्रू भी आप इंसान से बंधे रहते हैं, ना चाहकर भी वो इंसान आपके दिमाग में घूमता रहता है। तो प्यार तो रहा नहीं, और गुस्से के थ्रू आप क्यों उस इंसान को अपने दिमाग में रखें, उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दें। तो रिलीज करिए उस इंसान को और माफी दे दीजिए, और कोई भी नफरत अपने दिमाग में मत रखिए। क्योंकि ब्रेकअप के बाद लोगों को ऐसा फील होता है कि देखो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। लव या फिर वो जो रोमांस या जो भी आपकी लाइफ में एक एडिशनल मेंबर आया था, वो आया था और चला गया। प्यार आपकी जिंदगी का सिर्फ एक पेज हो सकता है, एक पन्ना हो सकता है, जिसे शायद आज जरूरत है, या तो आपको फाड़ देने की जरूरत है, या फिर आपको उसको डैमेज कर देने की जरूरत है, जला देने की जरूरत है। क्योंकि सिचुएशन यही मांगती है कि आप उस पन्ने को आप अपनी डायरी से हटा दें। तो ये करने के बाद, अगर माफी देने के बाद आपको इतना रिलैक्स होगा, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने अपनी लाइफ की खूबसूरत डायरी से एक ऐसा पन्ना निकाल के फेंक दिया जो शायद अनवांटेडली आपकी लाइफ में आ गया था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा गया होगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करी होगी, और शायद आपको कुछ ऐसा टिप जरूर दिया होगा जिसके बाद आप शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर सके। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और हमें कमेंट जरूर करिएगा। अपनी स्टोरी अगर कोई है वो शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंसेस आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।